पंचल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, घर से 1 किलोमीटर दूर कस्बे में मिला शव। कल दोपहर 2 बजे से लापता थी युवती, देर रात मिला शव। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को किया मृत घोषित, हत्या की है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली रुदौली क्षेत्र के कायस थाना में युवती को अचेत अवस्था में एक गली के पास देखा गया, तभी स्थानीय पुलिस को सूचना देते हुए परिजन युवती को जिला अस्पताल अयोध्या ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। अयोध्या पुलिस के अनुसार शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन गले पर नीले रंग का निशान देखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। थाना कोतवाली रुदौली क्षेत्र के ही पूरे मलिक की रहने वाली थी युवती। लाइव टीवी समाचार के लिए पवन कुमार सिंह, क्राइम रिपोर्टर। थाना कोतवाली रुदौली क्षेत्र में बीती रात पुलिस को ये सूचना मिली कि कस्बे में ही गली के किनारे बेहोशी की हालत में एक युवती लेटी हुई है। प्राप्त जानकारी के तत्काल प्रभारी निरीक्षक रुदौली मौके पे रवाना हुए, तभी रास्ते में युवती के परिजनों को मोटरसाइकिल पर उस युवती को लाते हुए देखे। उन्होंने तत्काल पुलिस वाहन से उस युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा युवती को मृत घोषित कर दिया गया। शरीर पे कोई जहरीला चोट के निशान नहीं दिखे थे, अपितु गले के पास नीले रंग का निशान है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब मृत्यु के कारण पता चलेंगे, आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। परिजनों द्वारा अभी तक किसी प्रकार की तैयारी नहीं दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही आगे की विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।